कि भाई वित्त मंत्री हमारे जो है वो झुकने नहीं जा रही हैं, तो ये मैं झुकने की बात नहीं है, ये हम लोगों की गुजारिश है, ये हमारी बातों को सुनने के लिए। देखिए एक शेर मैं अर्ज़ कर दूं कि झुकते वही हैं जिनके अंदर जान होती है, झुकते वही हैं जिनके अंदर जान होती है, और अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। इसलिए हम लोग अपने वित्त मंत्री साहिबा से भी गुजारिश करेंगे कि बैंक कर्मियों की बातों को सुने और अपना प्रस्ताव ये वापस लें। उनका हम लोगों को स्वागत है। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बैंक यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वित्त मंत्री हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। वित्त मंत्री हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। बैंक यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। देश को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। देश को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। वित्त मंत्री हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। वित्त मंत्री हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। देखिए कभी भी बैंक का स्टाफ कभी भी बैंक का स्ट्राइक करना नहीं चाहता है, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरी आती है, सरकार की तरफ से मजबूर कर दिया जाता है, जो उसको स्ट्राइक करने पे मजबूरी हो जाती है। अभी जो स्थिति चल रही है कि प्राइवेटेशन का, ये बैंक जो है पहले प्राइवेट था, तो लोगों की जनता को विश्वास को जीतने के लिए इसको इंदिरा गांधी के टाइम में राष्ट्रीयकृत किया गया, इसको नेशनलाइजेशन किया गया, लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कि आपका पैसा सुरक्षित है, ये प्राइवेट लोगों के हाथ में नहीं है, ये किसी सरकार के हाथ में है, ये आपका खजाना सरकारी खजाना है, इसके लिए वो जो है नेशनलाइजेशन किया गया। लेकिन सरकार आज जो है इस फिर विश्वास को उन जनता की खो रही है और जो है फिर प्राइवेट की ओर बढ़ रही है, जो कि पैसा और ना कुछ सुरक्षित रह नहीं पाएगा। और जो हमारे कर्जदार हैं, बड़े बड़े उद्योगपति जो बैंकों के अरबों खरबों कई हज़ार करोड़ के कर्जदार हैं, आज वही मालिक बनने जा रहे हैं इसकी। तो ये रवैया जो है सरकार की हम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है, पूरे बैंकर को ही नहीं, पूरे जो है देशवासियों को पसंद नहीं है। और इसलिए मजबूर होकर सरकार की इस रवैये को वापस दिलाने के लिए हमें हड़ताल करना पड़ा। आज हम लोग जो है दो दिन का हड़ताल किए हैं, 15 और 16 मार्च को अगर सरकार मेरी बात नहीं मानती है, अगर वो हमारी बातों को गौर नहीं करती है, आम जनता की बातों को वो ध्यान में नहीं रखती है, तो आगे हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बेबस हैं। इसलिए जी आपका पत्र, हम मेरा नाम हुआ आर एच अंसारी, मैं बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर हूँ, अभी झुमरी तिलैया में मैं मैनेजर की पोस्ट पर हूँ, और ये फिर अब यहाँ आया हुआ हूँ, ये मेरा घर यहीं पे है।